से अभी? जरा दरवाजा तो खोलना। काम करो तुम ना, कहीं छिप जाओ यार। पर मैं कहाँ छिपूं? ये गुरुमा गुरुमा बोलकर जिनकी तुम लल्लो चप्पो कर रही हो, ऐसे लोग एक नंबर के ढोंगी होते। एक बात हमारे बारे में अच्छी तरह समझ कि हम अपनी मर्जी के मालिक और बहुत ही उल्टी खोपड़ी के, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर यही बात वो गुरु माँ को भी पता चल जाएगी तो हमारी सेहत पे दोनों फर्क नहीं पड़ने वाले। इस खाने में अंडे का छिलका कहाँ से आया? हमारे यहाँ तो कोई मांस मछली भी नहीं खाता। हमारे घर में हमने लहसुन प्याज भी नहीं रखा। प्रिया, गुरु माँ के लिए भोजन तुमने बनाया है ना? जी माँ जी, पर सच्ची में हमें नहीं पता कि इसमें अंडे के छिलके कहाँ से आए। अरे खाना तुमने ही बनाया था ना, तो खाने में का का डाला है वो तुम्हें नहीं पता होगा तो हम लोगों को पता होगा का? इतनी नादान बन के साबित का करना चाहती हो तुम कि मुर्गी ने खाने के भगोने में आके अंडा दे दिया और भाग गई? बोलो की साबित करना चाहती हो का? मास्टर जी, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि इसमें अंडे का छिलका कहाँ से आया। हमारा यकीन कीजिए जी, अब तो हमारा यकीन कीजिए। यकीन करने के लिए बचा ही क्या है? गुरुमा का धर्म भ्रष्ट किया तुमने। पूरा श्राप तुमको अकेली को ही लगेगा, कोई नहीं बांटेगा तुम्हारा ये श्राप। सारी जिंदगी तुमको अकेले ही ये श्राप भुगतना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, हमने अंडे का छिलका डाला ही नहीं। ये खाना तुमने बनाया है कि नहीं? जी जी, हम कहते हैं कि इस लड़की को तुरंत इस घर से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आखिर ये सब कैसे हो गया? तुम कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती थी? गुरु माँ के खाने की जिम्मेवारी तुम्हारी थी, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई तुमसे? अब्बा जी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए। हमें खुद नहीं पता कि इसमें अंडे का छिलका कहाँ से आया, जबकि इस घर में अंडा तो है ही नहीं। सरस बिटिया, ये लो तुम्हारे बचे हुए 40 रुपये। मेरे पैसे? के पास कहां से बच गए? अब 2 अंडे के हुए 10 रुपये, 50 में से 10 गए तो 40 बचे ना। ये लो पकड़ो इसे। अच्छा, तो इस सारे कर्म कांड के पीछे आपका हाथ है? दोनों बहने एक समान, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं। अरे, हमने सुबह तुम्हें चप्पल पहन के आने से टोक क्या दिया, तुमने ये बदला लिया? हमने सपने में भी ना सोचा था। अरे, तुम्हें जो भी बदला लेना था, जो कुछ करना था, हमारे साथ करती। मैं क्यों धर्म का धर्मभ्रष्ट करूंगी? मुझे आपसे बदला लेना होता तो मैं उसी समय ले लेती। किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलानी मुझे नहीं आती। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने अंडे नहीं मंगवाए। बस बहुत हो गया।
अपनी बहन से कहो कि अभी के अभी इस घर से निकल जाए, वरना बहुत बुरा होगा। इस एक दिन में इसने हमारे घर का बहुत अपमान किया है। दी, दी, आपको मेरी बात पे यकीन है ना? हाँ? सरस, तुम्हें यहां से चली जाओ। इसी वक्त यहां से चली जाओ। मतलब दी, आप भी मानती है कि ये काम मैंने किया है? सरस, हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसे चली जाओ सरस। मैंने सच में कुछ नहीं किया है सरस, इस यहां से चली जाओ। सरस, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सॉरी, हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाए। कौशिक, जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हारे घर में मेरी बेइज्जती हुई, मुझे उस बात का भी बुरा नहीं लगा। तुम्हारी मौसी ने मुझे भला बुरा कहा, मुझे उस बात का भी बुरा नहीं लगा। मैं पहले दिन उनकी नजर समझ रही थी। मेरी सियादी ने मुझे घर से निकल जाने को कहा, मुझे उस बात का भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि उनका ससुराल है। उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे घर से निकल जाने को कहा होगा। जानते हो मुझे किस बात का बुरा लगा? हाँ, मेरी बेइज्जती हो रही थी, मुझे भला बुरा कहा जा रहा था, पर लांछन लगाए जा रहे थे। तुम वहां चुपचाप खड़े रहे, मेरी बेइज्जती देखते रहे, जबकि तुम जानते हो उस वक्त मैं तुम्हारे साथ थी। तुम जानते हो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं कहा। सरस, हम कुछ कहने के हालात में नहीं थे। प्लीज हमें गलत मत समझो। अगर हम तुम्हारी तरफ से कुछ कहते तो घर वाले क्या सोचते हैं हमारे बारे में? तुम प्यार करते ना कौशिक, फिर भी मेरी बेइज्जती देखते रहे। आज कितना अच्छा मौका था सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताने का, क्यों नहीं कहा तुमने? क्यों?
मैं तुमसे शादी करके इस घर में आ जाती हूँ तो क्या कह रहे इनके कि मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा जैसा दियाजी के साथ किया जा रहा है। क्या कह रहे इनके कि मुझे वो मान सम्मान मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ। ने क्यों कुछ नहीं कहा कौशिक? सरस तुम कहाँ की बात कहाँ लिए जा रही हो? मैं कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हूँ? मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ जब सब कुछ देखते हुए तुमने कुछ नहीं कहा तो आगे तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? सरस घर वालों की तरफ से चलो हम तुमसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो हम पे। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ सरस। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? और यहाँ यू अकेले में माफी मांग लेने से तुम्हारे घर में मेरी जो इज्जत उतारी गई है क्या वापस आ जाएगी? मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा कि तुम मेरी कोई गलती तो नहीं? इस खाने में अंडे का छिलका कहां से आया? अरे खाना तुमने ही बनाया था ना, तो खाने में का का डाला है वो तुम्हें नहीं पता होगा तो हम लोगों को पता होगा का? इतनी नादान बनके साबित का करना चाहती हो तुम? सरस बिटिया, ये लो तुम्हारे बचे हुए 40 रुपये। मेरे पैसे आपके पास कहाँ से बच गए? दोनों बहनें एक समान। मैंने अंडे नहीं मंगवाए। दिया अपनी बहन से कहो कि अपे के अपे इस घर से निकल जाए। दी, दी, आपको मेरी बात पे यकीन है ना? हाँ? सॉरी सरस, अपनी दीदी को माफ कर दो। हमने आज तक अपनी गुड़िया के ऊपर एक बार भी आवाज उठा के बात नहीं की और आज सारे घर के सामने तुम्हें घर से निकलने के लिए बोला। माफ कर दो अपनी दीदी को। अब काहे आंसू बहा रही? हमने तुमको पहले से ही बोला था ये पाखंडी ढोंगी के चक्कर में मत पड़। एक अंडे के छिलके की वजह से इतना हाहाकार, अब आ गया तो खाने में आ गया। जिंदा इंसानों का खून चूस जाते ये लोग तब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, और एक अंडे के छिलके की वजह से इतनी हाय तोबा। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें किसी का मजाक उड़ाकर? हमने तुमसे कितनी बार कहा जिस पे तुम्हें विश्वास करना करो, जिस पे नहीं करना मत करो, और किसी के लिए उल्टी सीधे बातें मत करो, किसी के विश्वास का खिलवाड़ मत बनाओ। ये अजीब इंसान हो यार, आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद भी? आज जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें सरस का कोई हाथ नहीं था, पर किसी का तो हाथ था जो इस घर में सुख शांति नहीं चाहता, और वो इसी घर से, और उसका पता हम लगा कर रहेंगे। अच्छा तो अब तुम सब कुछ छोड़कर जासूसी करो, हमारे परिवार पर नजर रखो। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हमारे घर वाले उकुरुमा को ये घर में बुलाकर खुद ही अपमान करना चाहते थे? तुम्हारा ये मतलब है कि हमारे घर वाले इस घर की खुद ही सुख शांति नहीं चाहते? बताओ फिर किस पर शक है तुम, अम्मा के ऊपर, पापा के ऊपर, या फिर मौसी या कौशिक के ऊपर? हम किसी को शक के कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन हमें अपनी सरस पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी घिनौनी हरकत कभी कर ही नहीं सकती है। अच्छा वो तो बहुत दूध की धूली है ना। सिया राम सिया राम सिया।
बताओ फिर किस पर शक है तुम? अम्मा के ऊपर, पापा के ऊपर, या फिर मौसी या कौशिक के ऊपर? या कहीं ये तो नहीं कि तुम हम पर ही शक कर बैठी? कमाल है, एक अपनी बहन को बचाने के लिए तुम हमारे घर वालों को शक के कटघरे में खड़ा कर रही। हम किसी को शक के कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन हमें अपनी सरस पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी घिनौनी हरकत कभी कर ही नहीं सकती है। अच्छा, वो तो बहुत दूध की धूली है ना, कीचड़ के सने तो हम ही है। देखो, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अरे लेकिन इसका मतलब तो यही निकलता है ना, अब तुम्हारी तरह हम पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हो? लेकिन किसका का मतलब निकलता है, इतनी समझ है हम। अगर समझ सकते होते ना तो ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, मतलब कि हम पागल हैं, हमको किसी चीज की समझ नहीं? रुद्र प्लीज, बातों को घुमाओ मत। हम घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल सीधा बोल। और सीधी बात ये है, जैसे तुमको अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वैसे हमको भी हमारे परिवार पर पूरा भरोसा। वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते और इतना नीचे कभी वो नहीं गिर सकते। कौन सही है और कौन गलत वो तो वक्त ही बताएगा। लड्डू बनाए जा रहे हैं, पानी पिलवाओ मंजरी, जरा बहुत गर्मी है आज। आप बैठिए माँ जी, हम लेकर आते हैं। जी मंजरी, ये पार्टी फंड पैसे हैं, शाम को पार्टी फंड कार्यालय में देने, ध्यान से रखना। पापा जी, जीती रहो बहू। अब इन पैसों को क्या अपने आंचल में बांध कर रखोगी? तिजोरी की चाबी तो सिया के पास है। ये लो बहू, आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में। तो पैसे भी सिया को दे दो, तिजोरी में रख देगी। हाँ, हम तो भूल ही गए थे, इतने सालों से सारी जिम्मेदारी हम ही उठा रहे थे, तो आदत से पड़ गई थी। लो बेटा, संभाल कर रखो। जी माँ जी। और हाँ बहू। जी पापा जी। ये बहुत बड़ी रकम है, इसे संभाल कर तिजोरी में रखना और ध्यान से ताला लगाना। है? शाम को पार्टी कार्यालय में देने हैं, जाओ रख। जी पापा जी, हम अभी रख कर आते हैं। कितनी सुशील बहू, लड्डू बनाने सिखा रही हो उसे? जब से ये ब्याह के हमारे घर आई है, तब से हम लोग घर के प्रति बिल्कुल निश्चित हो गए हैं। सब कुछ इसने संभाल लिया है। क्यों मंजरी, सही कह रहा हूं ना मैं? लड्डू बनाए जा रहे हैं आज पापा जी। हमने पैसे तिजोरी में रख लिए हैं, ये लीजिए उनकी चाबी। ना ना बेटा ना,
मैं नहीं लेने वाला ये तिजोरी की चाबी। भाई घर की कमान, बागडोर जिसके हाथ में है वही रखे ये चाबी। क्यों मंजरी, सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन पापा जी। बेटा तुम इस घर की बहू हो और घर की चाबियां तो बहू के पास ही अच्छी लगती हैं। फिर ठीक कहा ना मैंने मंजरी? तुम तो बस एक काम करो बहू, एक अपने हाथों से बढ़िया सी इलायची और अदरक डाल के मेरे लिए चाय बना लो, ठीक है? जी पापा जी, अभी लाते। कितनी संस्कारी बहू है मंजरी हमारी, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। तभी तो लक्ष्मी के हाथ में ही लक्ष्मी अच्छी लगती है। क्यों, फिर सही कहा ना मैंने? आज तक इस घर में जब भी लक्ष्मी आई है सबसे पहले हमारे हाथ आई। आज ये पहली बार हुआ है कि लक्ष्मी ने हमें स्पर्श नहीं किया और सीधे जाकर तिजोरी में कैद हो। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कायदे से। और सब ठीक? कृपा है, आप मेरी बहू से नहीं मिले हो, ये मेरी बहू है सिया। जीती रहो। जब से ये ब्याह के हमारे घर आई है तब से हम लोग घर के प्रति बिल्कुल निश्चित हो गए हैं। सब कुछ इसने संभाल लिया है। क्यों मंजरी, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ, लाखों में एक है हमारी बहू, बहुत ही गुणी है। बहू, सबके लिए चाय नाश्ता बना के लाओ। नहीं बहू, मंजरी चाय नाश्ते का इंतजाम तुम करो। बेटा तुम जाके वो पैसे ले आओ, सुबह मैंने तुम्हें दिए थे ना पार्टी फंड के, जो तिजोरी में रखे हैं। जाओ जल्दी ले आओ। जी पापा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू तुम पैसे लेकर आओ। जी माँ, हम अभी लेकर आते हैं। हम बनाते हैं चाय। जी चले गए, हमने यहीं तो रखे थे। मंजरी ये लो, घर की चाबियां संभालो।